बिस्मिल्मी इन एडवास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज से हम बात कर रहे हैं फिर टुडे विल टॉक अबाउट बिहेवियर चेंजेस टू मार्केट एफिशिएंसी बिहेवियर फाइनेंस जो है ना ये बड़ा एक इमर्जिंग एरिया है इस पर पूरी पूरी बुक्स हैं पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं पूरी क्वालिफिकेशन हैं इवन बट विल हैव अ टच बेस ऑफ इट टू है बेसिक आइडिया वाट इज़ इट अबाउट लेटर ऑन वी कैन डू मोर रिसर्च ऑन इट बट आई वु सजेस्ट यू कि इस पर कोई स्पेसिफिक आप आर्टिकल्स और फर्दर रिसर्च करें एंड हैव अ थॉर ग्रिप ऑफ इट बट विल गिव यू अ बेसिक लेवल ऑफ एक्वेंटिसिप विद दिस एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आर पर्टिकुलर कोर्स बट इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी बिकॉज ये ह्यूमन साइकी से रिलेटेड है आपको ऐसे लगेगा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम ह्यूम्स की जो वट दे थिंक हाउ दे एक्ट एंड रिएक्ट वो हम इसमें बात कर रहे होते हैं दे आर थ्री कंडीशन कंसर्निंग बिहेवियर फाइनेंस द्री कंडीशन आर नोन एज रेशनैलिटी इंडिपेंडेंट डेविएशन फ्रॉम रेशनैलिटी एंड आर्बिट्रेशन ये ऑथर्स तो हैं जो कि इन्होंने इसके बारे में मेनली बात की रेशनैल मीन टू थिंक लॉजिकल विदाउट एनी बाइस विदाउट बींग इन्फ्लुएंस और डेवियशन उससे किस तरह मूव करते हैं एंड आर्बिट्राज टू हैव राइट प्राइसिंग यानी कि नो रिस्क लेवल पर आप अपने आप को इन्वेस्ट करें विदाउट टेकिंग रिस्क यू कैन अर्न सम पोटेंशियल बिकॉज ऑफ मिस प्राइसिंग तो इस पर यह बिहेवियर नॉर्म्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इफेक्ट कर रहे होते हैं ईच ऑफ थ्री कंडीशन इज बेज ऑन ह्यूमन एरर रीजनिंग आपके अपने थाट्स हैं रीजनिंग है असमेंट हैं एंड कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट समथिंग

डोमिनेट करते मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपने एक शेयर की वैल्यूएशन की वैल्यूएशन के अपने टूल्स हैं मेथड है उस लॉजिक की बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट की कि जी मेरा ख्याल से ये शेयर होना चाहिए 150 का इस वक्त वो शेयर है 110 का आपने सोचा कि ये सिक्स मंथ्स में ये 150 तक चला जाएगा देन आई विल एबल टू सेल इट तो आपने 110 पे पोजीशन ले ली हुआ क्या उसमें विद इन फ्यू डेज उसमें एक एक्टिविटी शुरू हो गई वो वन टेन से वन फिफ्टीन वन ट्वेंटी विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ वन मंथ वो वन फोर्टी फाइव वन फिफ्टी तक पहुंच गया अब आपने तो सोचा था कि ये सिक्स मंथ में वन फिफ्टी तक जाएगा अब ये वन मंथ में ही वन फिफ्टी पे पहुंच गया दैट मीन आपका जो टारगेट सेलिंग प्राइस है वो अचीव हो गई तो वट हैपन इज लोग कहते हैं कि ये 150 तो है नहीं है तो 200 तक भी चला जाएगा या 180 तक भी चला जाएगा तो दैट मीन्स कि आपने जो लॉजिक डिसाइड किया था रूल के मुताबिक वैल्यूएशन वो तो 150 थी नाउ बट यू आर रिवाइजिंग इट एक ग्रीड का एलिमेंट आ गया तो दिस इज़ बिहेवियर नॉम कि उस ग्रीड में आप वो कहेंगे नहीं अभी मैं इसको नहीं बेचता हो सकता है वो वन से बाउंड बैक होके वन टेन पे आ जाए बढ़ भी सकता है बट द ग्रीड एलिमेंट कम्स इन जो आपके डिसाइडेड पाथ से आपको डेविएट करवा देता है दिस इज वट मेन जो आपको मैं बात समझाना चाह रहा हूं कि का होते क्या ऑल्सो इैशनलैरिटी रिलेटिंग टू सर्टन स्टॉक ऑन द मार्केट यानी कि मैंने लेट से डिसाइड किया कि मुझे टेक्सटाइल में एक्सपोजर लेना है तो मैंने क्या किया कि जी मैंने चुप करके जाके निशात मिल का शेयर ले लिया अपने शात मिल क्यों ले लिया क्योंकि फेमस है नाम मुझे ज्यादा है हो सकता है कोहे टेक्सटाइल इस वक्त ज्यादा अच्छे अर्निंग लेवल्स पे हो ज्यादा अच्छी अपसाइड पोटेंशियल हो बट बिकॉज आई एम फेमिलियर विद निशात मिल तो मैंने वो ले लिया सो दिस इज बाइस दिस इज अगेन बिहेवियर इम्पैक्ट वन कुड बिकम रिपीट इन हिज और हर स्टॉक ऑप्शन ड्यू टू हैविंग इन एडिकुट इंफॉर्मेशन बिकॉज ही और शी माइट हैव इन्वेस्टेड इन द पास्ट मैंने एक शेयर खरीदा अटक पेट्रोलियम लेट से उसमें मैंने 200 का लिया वो 300 का हुआ तो मैंने बेच दिया मार्केट में चीज़ें चेंज हुई तो वो शेयर अब इस वक्त दोबारा दो सवा दो सौ की रेंज पे आ रहा है तो मैंने उसको दोबारा ले लिया अब मैंने इस वक्त की सिचुएशन देखी ही नहीं क्योंकि मुझे उसने पहले शेयर ने गेंद दिया था मैंने कहा जी ये तो बड़ी ही अच्छी शेयर है हो सकता है उसकी कंडीशन चेंज हो गई हो उस कंपनी के हालात चेंज हो गए हो विदाउट लुकिंग इन दैट जस्ट ऑन माई मेमरी बेस माई एक्सपीरियंस मैंने उस शेयर को दोबारा ले लिया दिस इज़ अगेन बिहेवियर फैक्टर पंच यू आर एंटरिंग इन अगेन यू शुड डू अ रीडन ऑफ इट आपको नई इंफॉर्मेशन नए फैक्टर देखने चाहिए बट रादर देन दैट आपने अपनी मेमरी पास परफॉर्मेंस पे बेस पे उसको सिलेक्ट कर लिया दिस इज अगेन अ बिहेवियर इम्पैक्ट जो कि फॉर्मल फाइनेंस से डिफर कर जाता है ऑल्सो वन कुड डू कंजरवेटिव वैन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट एंड मिस अपॉर्चुनिटीज एक ये भी हमने बहुत सारे लोग देखे हैं नहीं अभी नहीं खरीदना थोड़ा और रुक जाते हैं थोड़ा और वेट करते हैं थोड़ा और वॉच करते हैं एंड दे मिस द बोट एंड दे मिस मिलियंस ऑफ डॉलर और इवन बिलियंस ऑफ डॉलर विदाउट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ द फीयर एंड कंजरवेटिव वैन मार्केट वॉज लोकटिव उसमें इन्वेस्टमेंट करनी बनती थी यू वर ओवर कॉशियस और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की एंड देन यू मिस द पोटेंशियल सो अगेन दिस इज बिहेवियर फैक्टर सो बिहेवियर का बहुत इंपैक्ट आता है हमारी डिसीजन में तो इसलिए ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड बिहेवियर फाइनेंस दीज आर रनिंग पैरल और इनकी एक प्रॉपर डिबेट है पूरी डिस्कशन है उस पर जो चल रही होती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशंसी ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ये एक थेरी है जिसपे बेस करके ये बात हो रही होती है दिस इज बेस्ड ऑन लॉजिक बेस्ड ऑन पाथ देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशेंसीज की हम बात करें मार्केट कितनी एफिशियंट हैं उसको हम गेज कर रहे होते हैं दट कुड बी डिफर हम कहें हम न्यूयॉर्क स्टॉक्सचेंज को टोक्यो को और पाकिस्तान को और इंडिया को हम लट से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो वी कैन लुक इन टू दिस कि ये किस फॉर्म की एफिशंसी है सो देर आर थ्री मेन कैटेगरीज वीक सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रोंग एज देर नेम्स एज वीक का मतलब भी यहाँ पे इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत बुरे हाल की मार्केट अगेन इट हैज डायनमिक्स लेट सी वट आर दीज फॉर्म स्टेल्स कंसर्निंग वीक फॉर्म ऑफ एफिशेंसी इफ एन एनालिसिस द प्राइस ऑफ पास स्टॉक पिछले उसकी स्टॉक की प्राइसिस को मैं एनालाइज करूँ और मैं उसकी प्रोडिक्शन की बेस पे कुछ डिटर्मिन करूँ बट आई कैन नॉट मेक अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट ये है वीक फॉर्म मैं दोबारा बताता हूं कि मैं नॉर्मली क्या होता है लोग पास ट्रेंड्स पैटर्न्स देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और उससे गेन्स कर रहे होते हैं जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं वीक फॉर्म ऐसी मार्केट है जिसमें टेक्निकल एनालिस्ट कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता हाँ फंडामेंटली कोई रिटर्न करे यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड वो कुछ कमा सकता है बट टेक्निकल नहीं कमा सकता तो दैट मीन इट्स अ गुड लेवल ऑफ एफिशिएंसी कि स्टॉक की प्राइसेस जो हैं वो पाथ में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन बेस पे मूव कर रही हैं और पैटर्न्स की बेस पे नहीं चल रही हैं। कि पहले ऊपर गया तो अब नीचे आना है तो ऊपर जाना है या कैंडल्स मूवमेंट टेक्निकल जिसको एनालिसिस कहते हैं वो इसमें कमा नहीं सकते देन कम्स सेमी स्ट्रोंग सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशियंट एम्प्लाइज दैट प्राइस शुड रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके कोई प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अर्निंग्स हैं वो सारी उसकी प्राइस में इम्पैक्ट हो चुकी हैं यानी कि आप जितना मर्जी एनालिसिस कर लें आप फंडामेंटल की अर्निंग इसकी ये है इसकी इतनी शेयर की प्राइस होनी चाहिए तो वो ऑलरेडी उसी प्राइसिंग में मूव कर रही होगी तो दैट मीन मार्केट इज़ वेरी एफिशेंट तो ना टेक्निकल वाला इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है मार्केट प्रॉफिट कमा सकता है नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं कमा सकता ना फंडामेंटल वाला कमा सकता है तो दिस इज अगेन अ वेरी सीनियर लेवल इसमें फिर अब कौन कमा सकेगा नॉर्मली जिसके पास कोई इन साइडर इन्फॉर्मेशन होगी जो कि वैसे तो अनएथिकल है इलीगल है बट स्टिल इफ समन हैज इन साइड न्यूज़ के कंपनी ने ये बताना है या इसको इस प्रोजेक्ट मिलने वाला है उस बेस की इन्फॉर्मेशन है तो वो उस पर एबनॉर्मल कमा सकता है अदरवाइज एबनॉर्मल नहीं कमा सकता इवन आर बिगर लेवल मार्केट्स आर सम टाइम कैटेगराइज इन सेमी स्ट्रांग इवन वो भी स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रोंग क्या होगी फिर स्ट्रोंग क्या है ऑल फिगर्स इन द मार्केट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वो इंफॉर्मेशन जो अभी पब्लिकली अनाउंस भी नहीं हुई कि कंपनी को एक वेल well मिल गया या कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिल गया जो अभी पब्लिकली अनाउंस भी नहीं हुई वो भी शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है तो ब्रीवर ऑफ स्ट्रांग मार्केट ट्रस्ट दैट नॉट इवन इन साइडर कैन गिव इन्वेस्टर लीड यानी कि वो भी अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते इतनी परफेक्ट किस्म की मार्केट है कि ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक इज बिल्ट इन इन द प्राइस यानी कि in in इतनी परफेक्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन फ्लो है जो मार्केट में न्यूज नहीं भी आई वो भी शेयर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और परफेक्ट है तो कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता हाँ नॉर्मल प्रॉफिट जो जितना रिस्क लेगा उतना नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकेगा तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको जो मार्केट्स को डिफाइन कर रहा होता है कैपिटल मार्केट इज फुल ऑफ थेरीज एंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन मेनी लेवल्स ऑन मस्ट गेन अंडरस्टैंडिंग हमें ये इनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इफ़ यू गोइंग टू इन्वेस्ट वी नीड टू हैव अ थॉर ग्रिप सो दैट वट आर द डायनेमिक्स वट टेल्स वट दे गाइड तो ये थेरीज और अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरी है टू बी अक्सेसफुल इन्वेस्टर सक्सेसफुल फंड मैनेजर The capital market structure must not taken lightly and one must educate his or herself before making investment in the market. तो इसकी हमें thorough understanding ज़रूरत होती है और यहाँ pe ही लोग raw man या lay man जो आते हैं वो इतना अच्छा नहीं perform कर पाते और second ऑप्शन इज कि आप जैसे होनहार पोर्टफोलियो मैनेजर्स हायर किए जाएँ फंड मैनेजर्स हायर किए जाएँ हु नोज़ अबाउट मार्केट एंड देन दे कैन डू एंड इन्वेस्ट इन अ बेटर पॉसिबल वे थैंक यू